सो हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके डी सी इन्फो यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त जयेश कुमार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए सैटेलाइट के बारे में। जी हां दोस्तों, सी बैंड का यह सैटेलाइट है और दोस्तों पहली बार यहां पर मैं आपको सेट करके सैटेलाइट दिखाऊंगा, जो कि मेरे पीछे ये डिश लगी है, जो सेट है अभी 103 डिग्री ईस्ट पर। और दोस्तों ये सैटेलाइट जो है यहां पर रशियन सैटेलाइट मिलते हैं, यहां पर काफ़ी सारे चैनल फ्री में मिलते हैं। और दोस्तों इसके लिए आपको सी बैंड LNB में कैसे टेफ्लॉन लगाना है, कौन सी फ्रिक्वेंसी आपको यूज़ करनी है और इस सैटेलाइट को कैसे सेट किया जा सकता है, और दोस्तों पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और दोस्तों इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आप भी ये सैटेलाइट को आराम से सेट कर लेंगे और यहाँ पर मिलने वाले सारे चैनल का फ्री में मजा ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों डिश की ओर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा डिश का सेटिंग दिखाता हूँ, LNB की पोजिशन वगैरह आपको दिखाता हूँ और पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो चलो सबसे पहले मैं आपको जो है वो सेटिंग दिखाता हूँ LNB की। तो दोस्तों LNB की पोजीशन आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको रखनी है, जैसे हम एशिया सेट 7 में रखते हैं, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ आपको LNB रखनी है। मेरे पास यहाँ पर सॉलिड की जो 17 की LNB है वो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आपको टेफ्लॉन का यूज़ करना होगा। अब टेफ्लॉन पट्टी दोस्तों आप काफ़ी अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कांच का जो टुकड़ा है, इसी से मैंने एक टेफ्लॉन बनाया है और बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों ये वर्क करता है। और यहाँ पर आपको कैसे ये लगाना है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाले जो दो तार होते हैं उसके बीच में आपको दोस्तों ये टेफ्लॉन लगाना है। तो दोस्तों मेरी राय अगर हम माने तो आप AC टेफ्लॉन का यूज़ करें और ये आपको बेस्ट रिजल्ट देगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपनी KU बैंड की बड़ी डिश है इसी का अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग सिग्नल सेटिंग करने के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों मुझे कितने सिग्नल मिलते हैं और यहाँ पर कितने चैनल मिलेंगे पूरा डिटेल में दोस्तों जानकारी देने की कोशिश करूँ। उससे पहले आप एक बार पोजिशन देख लीजिए। और दोस्तों अगर आप एशिया सेट 7 सेट कर लेते हैं, यानी कि 105 डिग्री ईस्ट सेट कर लेते हैं, तो यहाँ से आपको डिश को थोड़ा सा ही ऊपर करना है, आप आराम से दोस्तों 103 डिग्री सेट कर पाएंगे। मेरी लोकेशन दोस्तों गुजरात में है। काफ़ी सारे फ्रेंड लोकेशन के बारे में पूछते हैं, लेकिन आप पूरा वीडियो अगर आप देखते हो तो यहाँ पर बीच में सारी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको फ्रीक्वेंसी की डिटेल देख दोस्तों फ्रीक्वेंसी आप यहां पर आप देख सकते हैं MPG2 सेट टॉप बॉक्स से अगर आप सेट करना चाहते हैं तो यहां पर आप फ्रीक्वेंसी 3688 और सिंबल रेट जो है 15284 और पोलारिटी आपको हॉरिजॉन्टल रखनी है, 22 के को ऑन रखना है, आपको यहां पर सिग्नल मिलना शुरू होंगे, थोड़े बहुत सिग्नल मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर से थोड़ा फाइन ट्यूनिंग करेंगे तो यहां पर मुझे मैक्सिमम लगभग 47 के आसपास सिग्नल जो है वो मिल रहे थे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो फाइन ट्यूनिंग कर रहा हूँ ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल यहाँ पर रिसीव हो सके। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पोलारिटी में आप अगर वेबसाइट में देखेंगे या कि ऑनलाइन गूगल में देखेंगे तो आपको यहाँ पर LR लिख के नज़र आ रहा है, क्योंकि जो भी टेफ्लॉन पट्टी हमें यूज़ करनी पड़ती है वहाँ पर हमें इस तरह से दिखाता है। यहाँ पर आपको H रखना है तब आपको सिग्नल मिलेंगे। ये दोस्तों डिश की पोजीशन आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको TV के अंदर पूरा चैनल लिस्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैंने एक नया सैटेलाइट ऐड कर लिया, जो कि है एक्सप्रेस AMU3, यानी कि 103 डिग्री ईस्ट का दोस्तों एक सी बैंड का सैटेलाइट है। यहाँ पर 5150 इसीलिए मैंने रखा है। और दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे ब्लाइंड स्कैन और यहाँ पर डाइसेक में यूज़ कर रहा हूँ 5 के पोर्ट में। तो दोस्तों यहाँ पर ब्लाइंड स्कैन होना स्टार्ट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो है मुझे सेट टॉप बॉक्स के बारे में पूछते हैं कि भाई सेट टॉप बॉक्स कौन सा आप यूज़ करते हो। तो ये दोस्तों मेरा जो है सेट टॉप बॉक्स है वो हेलो बॉक्स 8 है, नया वर्जन वाला। और दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसकी स्पीड भी काफ़ी बहुत ही बढ़िया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर चैनल बैनल वगैरह काफ़ी सही तरीके से यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। और दोस्तों इसके अंदर काफ़ी सारे अदर फंक्शन भी है जो कि बहुत ही बढ़िया एक एक्सपीरियंस देती है, यानी कि कोई भी चैनल वगैरह देखने हैं और इसके अंदर यूट्यूब वगैरह जो भी चलाना है बहुत ही बढ़िया तरीके से दोस्तों ये सेट टॉप बॉक्स के अंदर चलता है। तो मुझे तो पर्सनली ये बॉक्स काफ़ी पसंद आता है। बाकी दोस्तों आप अपने हिसाब से कोई भी सेट टॉप बॉक्स में ये सारे चैनल को स्कैन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं हमें 59 तक चैनल अभी तक पहुँच चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पर दोस्तों हमें टोटल चैनल कितने मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल हमें 59 TV चैनल मिले हैं, बाकी कुछ रेडियो के चैनल भी यहाँ पर मिले हैं। तो अब चलिए अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं सैटेलाइट को सिलेक्ट लूंगा और उसके बाद आपको पूरी चैनल लिस्ट दिखाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर हमारा सैटेलाइट है एक्सप्रेस AMU3 और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं रेंटी वगैरह भी यहां पर आपको मिल जाता है, लेकिन पूरा डिटेल में दोस्तों अगर वीडियो देखेंगे पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर मैं फ्री टू एयर यानी कि FTA चैनल की बात करूँ तो पूरे यहां पर दोस्तों 30 चैनल जो है हमें बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं। यहां पर कोई भी आप देख सकते हो पूरे रशियन सैटेलाइट दोस्तों रशियन चैनल जो है हमें बिल्कुल फ्री में दोस्तों यहां पर 30 चैनल मिल जाते हैं, जिसके अंदर मूवी के, कार्टून के, रशियन
लैंग्वेज में है दोस्तों, अलग अलग काफ़ी तरह के जो है वो चैनल मिल जाते हैं काफ़ी दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हॉलीवुड मूवीज़ के चैनल अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगर हॉरर शो की बात करें तो वो भी दोस्तों यहाँ पर सीरीज़ वगैरह देखने को मिल जाते हैं। म्यूजिक के चैनल भी दोस्तों यहाँ पर फ्री में मिलते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक पैकेज है अगर आप ये चैनल पसंद करते हो, सारे चैनल देखना चाहते हो। तो फिलहाल आप दोस्तों 103 डिग्री यानी कि सी बैंड में इस सैटेलाइट को सेट कर पाएंगे। और ये सैटेलाइट दोस्तों आराम से यहाँ पर मैंने आपको सेटिंग वगैरह करके दिखा है। तो फिलहाल दोस्तों मैंने अपनी 8.5 फीट वाली जो बड़ी डिश है उसमें मैंने आपको सेट करके दिखा है। बाकी आगे में दोस्तों 4 फीट और 6 फीट में मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, लेकिन आगे अगर आप चाहते हैं तो वो भी मैं आपको अपडेट जरूर से दूंगा। तो इसके लिए आप दोस्तों मुझे कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और इस वीडियो पर मिनिमम 100 लाइक करेंगे तो मैं आपको नए अपडेट भी दूंगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं जो फ्री वाले जो चैनल है वो सारे चैनल मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। अब वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को यार आप लाइक और कमेंट करके मुझे बिल्कुल बता सकते हो। और दोस्तों अगला गिव अवे जो है वो बहुत ही जल्द होने वाला है, तो इसी में इस वीडियो के अंदर आप लाइक शेयर कमेंट करके आप भी पार्टिसिपेट जरूर से कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी चैनल लिस्ट में दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर मुझे एक जो टीवी है यहाँ पर एक टीवी में थोड़ा सा सिग्नल यहाँ पर वीक इसीलिए नज़र आ रहा है क्योंकि अभी मेरे लोकेशन के पास थोड़ी थोड़ी बारिश होना शुरू हो गई है, इसीलिए यहाँ पर ये टीवी में मुझे सिग्नल थोड़े से वीक नज़र आ रहे हैं। बाकी ओवरऑल जितने भी फ्री टू एयर चैनल है दोस्तों मैंने आपको चला के दिखाए सारे चैनल बहुत ही बढ़िया तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिग्नल वगैरह भी मिलते हैं और चैनल भी आराम से यहाँ पर से चल जाती है, देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर। और आगे दोस्तों जैसे मैंने बताया कि 4 फीट और 6 फीट वाले अपडेट अगर चाहते हैं तो आप इस वीडियो का लाइक एवं कंप्लीट कर लीजिए जो कि 100 लाइक का। और बाकी नए नए वीडियोस देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है। और दोस्तों यहां पर कौन से टीवी पर सेट करना है चले वो भी एक बार मैं लास्ट में बता देता हूं। तो यहां पर दोस्तों आपको इजी होगी 3688 हॉरिजॉन्टल 15284 ये वाले टीवी पर अगर आप रख के सिग्नल मिलाने की कोशिश करेंगे तो आपको इजी होगी और सिग्नल मिलाना थोड़ा आसान होगा, ठीक है। तो ये टीवी का आप यूज़ करें और डिस्क्रिप्शन में भी पूरी जानकारी मिल जाएगी। और इसके अलावा और कोई भी सैटेलाइट को आपको सेट करना है, स्ट्रॉन्ग टीवी वगैरह देखना है तो jkdsinfo.com वेबसाइट पर विजिट जरूर से करें, आप वहाँ से नए नए जानकारी मिल पाएंगे, नए नए पोस्ट देख पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रैन टीवी चैनल भी यहाँ पर ऐड है यहाँ पर, और ये चैनल दोस्तों सारे स्कैम्बल चैनल है, पूरा लिस्ट आपके सामने है। अब दोस्तों इसको डीकोड वगैरह कैसे करना है, फिलहाल तो यहाँ पर मैं आपको फ्री चैनल दिखाने की लिए ये वीडियो स्पेशली मैंने आपको बनाया है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं चैनल लिस्ट पूरा एक बार आपके सामने है, ये चैनल भी यहाँ पर से चल रहा है और सिग्नल वगैरह भी दोस्तों आपको मैं यहाँ पर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बस दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर से करें। अब नए गिव अवे का अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूं। और दोस्तों ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग डीटीएच रिलेटेड वीडियो देखने के लिए jkdsinfo यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। और दोस्तों चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।